जी सारा काम करो करें। चला भरे हो चला भरे हो आज आपने जिला अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया है, क्या है मामला सर? ऐसा है, कोविड के दृष्टिगत और कोविड में थर्ड जो वेव चल रही है उसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि जो जनपद के नोडल अधिकारी हैं वो अपने अपने जनपदों में जाके विभिन्न पहलुओं पे इसका समीक्षा बैठक करेंगे और संबंधित संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। उसी क्रम में कल मेरे द्वारा यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसकी एक बहुत डिटेल रिव्यू मीटिंग की गई। जो अन्य कोविड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो टेस्टिंग के हो, चाहे हमारे अस्पतालों की तैयारी के संबंध में, उसकी बैठक की गई। और इसी क्रम में आज जो जिला चिकित्सालय है, खासकर मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ, और जो हमारा जो 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया उसका निरीक्षण किया गया, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया गया। उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा और सुधार के लिए बोला गया है, उसमें थोड़ा सी कमी प्रलक्षित हो रही है। साथ साथ इमरजेंसी वार्ड में भी कुछ कमियाँ प्रलक्षित हुई हैं, जिसको संबंधित डॉक्टरों को अधिकारियों को बोलकर उसको सुधार करने के लिए बोला गया है। फेस वैक्सीनेशन का काम अभी चंदौली में अच्छा शुरू हुआ है और अच्छा काम अभी चल रहा है। और अभी एक विशेष अभियान 15 और 16 तारीख को, यानी कि आने वाले शनिवार और रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी संस्थानों के साथ मिलकर जितने भी हमारे 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं जिनका प्रथम डोज लगना है, और 18 साल से ऊपर वाले जिनका सेकंड डोज लगना है, उनको सबको बुलाकर उनको सैचुरेट करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से भी सभी चंदौली वासियों से हमारी अपील है कि 15 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी प्रथम डोज नहीं लगी है, वो अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे आकर अपना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराएं। और साथ साथ जो हमारे 18 साल से ऊपर हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है, वो सेकंड डोज भी अपना लगवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जो हमारी आने वाली लहर है उसका कोई असर उन पर ना हो। सर, कुछ लापरवाही पाई गई है और डॉक्टर द्वारा बाहर से दवा लिखने की भी मामले कुछ आए हैं, तो उसमें क्या सर? उसमें मेरे संज्ञान में आया है, उसमें एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। और निश्चित रही कि जो भी अगर वो इंटेंशनल अगर दोषी है तो उनके विरुद्ध संबंधित विभाग को लिखकर उसमें कार्रवाई करें। सर, जिला अस्पताल में थायराइड जांच की मशीन विगत 5 महीनों से रखी गई है और चालू नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें भी कुछ मशीनें हैं जिसमें भी वो चालू नहीं है, उसमें मैंने यहाँ पे अधिकारियों को बोला है कि उनके जो भी मैकेनिक है उनको बुलाकर तत्काल सारी मशीनें चालू सुनिश्चित कराएं, जिससे कि मैं आने वाले जो नेक्स्ट विजिट होगी उसमें मैं खुद इसको देखूँ। जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की खबरें जनता जनार्दन के बीच, पढ़ें और जुड़ें तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल मीडिया टीवी जनता जनार्दन टीवी, समय के साथ सबसे आगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए जनता जनार्दन टीवी यूट्यूब चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।